स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूं आपके साथ सैनी लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में यह बताया है कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश कई समस्याओं से आज नहीं जूझ रहा होता इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि ना परिवारवाद होता ना कश्मीर से पंडित जाते और न ही सिखों का नरसंहार होता तो कांग्रेस पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर नजर आ रहे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूरी सोच जो है वो अरबन और नक्सलों ने उस पर कब्जा कर लिया है सिर्फ इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला इसके बाद कांग्रेस के तमाम सांसद जो थे वो सदन से वॉकआउट कर दिए और उन्होंने जमकर नाराजगी जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्त की लेकिन संसद में जिस तरीके से संग्राम जारी है लगातार बजट सत्र चल रहा था और इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप न सिर्फ उनकी योजनाओं को लेकर लगाया था बल्कि यहां तक भी आरोप लगाए थे कि सरकार की गलत विदेश नीति के चलते ही आज चीन और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो करीब आ गए हैं लेकिन अब प्रधानमंत्री ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला खोला प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जवाब देते हुए ये कहा कि अगर देश में कांग्रेस ना होती तो देश का माहौल देश का रूप ही अलग होता प्रधानमंत्री ने बताया कि आखिर किस तरीके से अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश का हाल आखिर कैसे होता जब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता कांग्रेस ना होती तो जातिवाद ना होता कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद मुक्त होता कांग्रेस ना होती तो क्षेत्रवाद ना होता कांग्रेस ना होती तो पंडित कश्मीर में होते और अगर कांग्रेस ना होती तो भारत विदेशी चश्मे के बजाय आज स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक नहीं होता और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो सालों साल पंजाब में की आग में पंजाब नहीं चल रहा होता अगर कांग्रेस ना होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत न बनाकर रखा होता और अगर कांग्रेस ना होती तो बेटियों को इस तरीके से तंदूर में चलाने की घटनाएं देश में नहीं होती सिर्फ इतना ही नहीं लगातार प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर अटैक किया और ये बताया कि कांग्रेस के शासन काल में किस तरीके से भारत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांगी गई थी किस तरीके से लगातार आतंकी घटनाएं हो रही थी किस तरीके से बेटियों को कहीं ना कहीं तंदूर में जलाने जैसी घटनाएं सामने आ रही थी लगातार इस तरीके से नरसंहार जो है वो कांग्रेस नरसंघारे शासनकाल में हुआ है और यही तमाम चीजों की याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिलाई बड़ी स्ट्राइक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर की है और प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा हमला खोला उन्होंने साथ ही ये भी जरूर कहा कि दरअसल महात्मा गांधी भी कांग्रेस नहीं चाहते थे और अभी भी इन बातों की चिंता थी महात्मा गांधी कांग्रेस नहीं चाहते थे उसी की तर्ज पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर महात्मा गांधी की ये बात सच होती तो ये तमाम घटनाएं ये तमाम परेशानियां जो इतने सालों तक देश ने जिन समस्याओं का सामना किया है आज वो समस्याएं देश के सामने नहीं होती जाहिर तौर पर बजट सत्र चल रहा था और इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने दरअसल केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं को घेरते हुए और यहां तक कि कोविड से लेकर गरीबी पर सवाल उठाते हुए तमाम जो बातें थी वो राहुल गांधी की ओर से की गई लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के और खासतौर पर कांग्रेस के एक एक सवाल का जवाब दिया है और साथ ही उनसे जवाब भी मांगा है कि जो कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर बात करती है गरीबी के मुद्दे पर बात करती है जो कांग्रेस चीन और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहती है लेकिन क्या वो कांग्रेस बताएगी कि आखिर 2013 में जब यूपीए की सरकार थी जब चीन और पाकिस्तान कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तो उसकी अनुमति किसने दी थी, थी तब चीन और पाकिस्तान क्या करीब नहीं आ रहे थे ये तमाम सवाल है जो लगातार कांग्रेस पार्टी पूछे जा रहे हैं हालांकि और सिर्फ इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने जिस सिलसिलेवार ढंग से और जिस अंदाज से कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला खोला तमाम उनके सवालों पर पलटवार किया जवाब देते हुए उसके बाद जो राज्यसभा के सांसद थे कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़के वो भड़क गए हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री को अपना भाषण भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा मल्लिकार्जुन खड़के ने कहा कि हमने सदन से वॉकआउट करना पड़ा है क्योंकि भाषण में अपने मुद्दे रखने के बजाय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो कहा उसे प्रस्तावित करने के बजाय प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस पर टीका टिप्पणी करते गए उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया ये मल्लिकार्जुन खड़के की ओर से बयान दिया गया है लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा कि कांग्रेस देश के कई राज्यों को अस्थिर करती जा रही है और ये भी कहा गया कि कई सरकारें उनकी वजह से बर्खास्त भी की गई थी प्रधानमंत्री ने अपना जिक्र करते हुए कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो तब भी इसी कांग्रेस ने कई जुल्म किए थे कांग्रेस ने गुजरात के साथ भेदभाव किया था तो किस तरीके की कांग्रेस की सरकार रही है किस तरीके की कांग्रेस की सोच रही है वो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो परिवारवाद ना होता और कांग्रेस ना होती तो कश्मीर से इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों का प्लान ना हुआ होता उन्नीस सौ चौरासी की याद भी दिलाई कि किस तरीके से नरसंहार सिखों का हुआ था तमाम बड़ी चीजें जो कांग्रेस की सरकार में हुई है तमाम बड़ी घटनाएं उनकी याद जो है प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को दिलाई है कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने अंदर छाके की किस तरीके से उनका जो देश पे रहा है उसमें किस तरीके से कहीं ना कहीं देश को अस्थिर करने का काम किया है देश को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में ऊपर ले जाने के बजाय नीचे ही धकेला गया है और आज अगर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब हरियाणा और देश के तमाम राज्यों में केंद्र सरकार विकास कर रही है अगर सड़कों का जाल बिछ रहा है अगर तमाम योजनाओं का लाभ जो है वो गरीबों को मिल रहा है तो आखिर कांग्रेस पार्टी की तकलीफ क्या है ये सवाल भी प्रधानमंत्री की ओर से किया, किया अपने पूरे अभिभाषण प्रधानमंत्री ने कांग्रेस कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी जब सत्ता में थी तो आपत्ति जता रही है यदि राष्ट्र का विचार असंवैधानिक है तो आपकी पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों कहा जाता है साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के उस बयान पर तंज कसा है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशन पर अगर भरोसा नहीं है तो फिर आपकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों है साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को आयना दिखाते हुए यह कहा है कि कुछ राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं ने पिछले दो सालों में अपरिपक्ता दिखाई है जिसने देश को निराश किया है हमने देखा है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ के कारण खेल खेले जाते रहे हैं भारतीय चीकों के खिलाफ किए गए अभियान ये साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस टीकाकरण अभियान को ही समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी का टीका बताती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीका बताती है और किस तरीके से टीएमसी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने टीकाकरण का विरोध किया है तमाम बड़ी बातों का उल्लेख जो है प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला खोला और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है कि जो आज बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, उन पर लगातार जो है तमाम तमाम योजनाओं, विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं अपने अंदर छाक के देखें कि आखिर इस पूरे शासन काल में यूपीए के किस तरीके से उन्होंने देश को सिर्फ और सिर्फ नीचे धकेलने का काम किया है किस तरीके से विकास देश का नहीं हो पाया भ्रष्टाचार का टीमक जो है वो देश में लगा और कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े भ्रष्टाचार अपने शासन के दौरान किए हैं और यही वजह है कि तमाम बीजेपी के नेता जो है वो प्रधानमंत्री के इस भाषण पर अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं संबित पात्रा की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल के जंगुल में फंस चुकी है ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बड़ी बात कही है वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से भी ट्वीट किया गया है उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता सालों साल पंजाब आतंकी आग में ना चलता और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर ना छोड़ना पड़ता प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से राज्यसभा में ये संबोधन दिया है सिखों को दिए गए जख्म जो हैं वो प्रधानमंत्री की ओर से साझा किए गए हैं इस साफ तौर पर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है आपको बता दें न सिर्फ राज्यसभा में बल्कि इससे ठीक एक दिन पहले लोकसभा में भी प्रधानमंत्री ने अपने डेढ़ घंटे का एक बड़ा लंबा भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए अपनी बात रखी और अधिकतर समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला खोला हालांकि उस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी में मौजूद नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहा कि उनके नेता बोलकर चले जाते हैं लेकिन झेलना उनके तमाम सांसदों को पड़ता है और कहीं ना कहीं इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली कि प्रधानमंत्री के इस अभिभाषण पर जिस तरीके से कांग्रेस पर बड़ी स्ट्राइक प्रधानमंत्री ने की तो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद थे वो काफी परेशान नजर आए प्रधानमंत्री के भाषण का विरोध भी किया गया लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी पर मनगणत आरोप लगाए थे एक एक कर उन आरोपों का जवाब दिया और ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने अंदर झांके कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में देश में कहीं ना कहीं परिवारवाद जातिवाद और किस तरीके से सिखों का नरसंहार हुआ है कश्मीरी पंडितों का प्लान हुआ है बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है उनके साथ कहीं ना कहीं जो घटनाएं सामने आई हैं तमाम चीजों का उल्लेख प्रधानमंत्री की ओर से किया गया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला किया फिलहाल आपकी इस पुणे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद